रामपुर बुशहर में रक्तदान सेवा परिवार सोसाइटी की ओर से कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार सेवाएं दे रहे लोगों को आज सम्मानित किया गया। शिमला जिला के कुमार सेन ननखड़ी, रामपुर व आसपास तथा कुल्लू जिला के कोरोना योद्धाओं को पहले फूल मालाओं से स्वागत किया, उसके बाद उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस तरह के सम्मान और स्वागत का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों को सम्मान दिलाने के साथ उनका हौसला अब जाहिर करना था, ताकि वे इस महामारी की लड़ाई में बिना रुके बिकट परिस्थितियों में भी लड़ाई जारी रखें। इसके साथ साथ उन लोगों को भी पहचान दिलाना था जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर जनता की सेवा निस्वार्थ की है। रक्तदान सेवा परिवार सोसाइटी के सलाहकार आत्माराम केदारटा ने बताया कि लोगों को रक्तदान के प्रति प्रेरित करने के साथ इस कोरोना महामारी के दौरान जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उन्हें सम्मानित किया गया। प्रचार किया जाए, रक्तदान लोग करें, और आज हमने जो यहाँ आज रखा था सम्मानित करने का, ये उनको सम्मानित करने का था जिन्होंने यहाँ पर कोरोना के समय में बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो मेडिकल साइड है, चाहे सिक्योरिटी साइड है, चाहे प्रशासन है, चाहे एनसीसी वगैरह है, जिन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया उसको सम्मानित करने, उनको प्रेरित करने के लिए हमने जो है आज ये कार्यक्रम रखा था। और ये है, मैं सोचता हूँ कि लोग इससे कुछ सीखेंगे और आगे अच्छा काम करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कुसुमलता ने बताया कि रक्तदान सेवा परिवार ने हमें सम्मानित किया, उनका धन्यवाद करते हैं। लोग कोरोना से काफी परेशान हैं, इस लड़ाई को लड़ने में भी कोशिश कर रहे हैं, भविष्य में भी उन्हें जहां जरूरत होगी वे सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। मेरा नाम कुसुमलता, मैं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ, रामपुर शहर से हूँ, और मैं आज इस रक्तदान सेवा परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने हम लोगों को सम्मानित किया। और कोरोना वायरस की आपको पता ही है कि सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और इस लड़ाई को लड़ने में हमने अपना सहयोग दिया और आगे भी हम इसके लिए अपना सहयोग देते रहेंगे और यही कोशिश करते रहेंगे कि हमारी हर जिस जगह भी हमारी ज़रूरत पड़े हम वहाँ के लिए खड़े रहेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आशा वर्कर रीना ने बताया कि वे रोज लोगों को घर घर जाकर कोरोना के प्रति सजग कर रहे हैं। जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें क्वारंटीन कराया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि इस दौरान कैसे रहना है। नमस्कार, मैं आशा वर्कर रामपुर रीना। हम जो कोरोना महामारी है इसके प्रति हम प्रतिदिन काम कर रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं इसके प्रति कि कोरोना क्या चीज़ है, मतलब इससे कैसे लोगों को बचाया जा सकता है। हम प्रतिदिन घर से मतलब जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनके घर घर जाके जो हमारे बाहर से आ रहे हैं उनको हम क्वारंटाइन कर रहे हैं घर में जाकर 14 दिन के लिए, तथा उनको बताया जा रहा है कि इस 14 दिन में किस तरह से आपको रहना है और क्या चीज़ें मतलब क्या सावधानियाँ बरतनी है। और आज हमारे को रक्तदान शिविर के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। ठीक है सर।